हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर, यानी कि बड़े बड़े प्लांट में और फर्नेस में जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर हम लगाते हैं, और टेम्परेचर ट्रांसमीटर में बहुत सारे प्रोग्रामिंग और पैरामीटर भी सेट करना पड़ता है। और आज मैं आपको इसी वीडियो में हार्ट कम्युनिकेटर से टेम्परेचर ट्रांसमीटर में किस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं और इसमें किस तरह पैरामीटर सेटिंग करते हैं, जैसे कि लोअर रेंज वैल्यू, अपर रेंज वैल्यू और सेंसर की डिटेल्स इसमें किस तरह सेट करते हैं, यानी कि सेंसर की टाइप्स किस तरह सेट करते हैं और सेंसर की कनेक्शन किस तरह करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे बहुत सारे कैलिब्रेशन रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो पोस्ट कर रखा हूँ, और कुछ वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग वो लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये सीमेंस कंपनी का टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, और इसके ऊपर एक कवर लगा होता है जो कि क्लाइमेट प्रूफ के लिए, जैसे कि डस्ट, रेन और मॉइस्चर के लिए, और कवर मैंने हटा दिया हूँ। और अभी मैं आपको ये मॉड्यूल के साथ, ये मेरे पास इमर्सन का ट्रैक्स है जो कि हार्ट कम्युनिकेटर है, और ये हार्ट कम्युनिकेटर को ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर के साथ किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और टेम्परेचर ट्रांसमीटर में देखिए सेंसर कनेक्शन किस तरह करते हैं, और सेंसर कनेक्शन लगा के इसके पैरामीटर की सेटिंग किस तरह करते हैं और प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने दो तार लगा रखा हूँ, और दो तार देखिए जो कि पॉजिटिव और दूसरी जो है नेगेटिव तार मैंने लगा रखा हूँ। और देखिए ये दो तार में जो कि पावर सप्लाई देते हैं, और किस तरह ये हार्ट कम्युनिकेटर से पावर सप्लाई भी आप ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को देते हैं, अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और देखिए अभी मेरे पास ये जो इमर्सन ट्रैक्स जो है, और इमर्सन ट्रैक्स से ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को किस तरह पावर सप्लाई देते हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको इमर्सन ट्रैक्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए इसमें बहुत सारे पोर्ट हैं, सबसे पहले देखिए हार्ट पोर्ट है, और उसके बाद हार्ट प्लस पावर और मिली एम्पियर पोर्ट। और हार्ट पोर्ट जो है, अगर आपका जो कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर को ऑलरेडी पावर सप्लाई मिल रहा है तो ये पोर्ट से आप लगा सकते हैं, अगर आपके टेम्परेचर ट्रांसमीटर में पावर सप्लाई नहीं है ये हार्ट प्लस पावर से, यानी कि आप ये हार्ट कम्युनिकेटर से, यानी कि ट्रैक्स कम्युनिकेटर से आप ये जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर को पावर सप्लाई दे सकते हैं। और चलिए सबसे पहले हमारा हार्ट कम्युनिकेटर को मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए ये जो हमारा इमर्सन ट्रैक जो है अभी ऑन हो रहा है, और उसके बाद देखिए इसमें दो पोर्ट जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी में हम लगाएंगे, और यहाँ पर जो कि चार पोर्ट आप देख रहे हो, ये चार पोर्ट में हम सेंसर लगाएंगे। और सेंसर जो लगाएंगे, देखिए ये जो कि पाँच नंबर छः नंबर पोर्ट जो है ये थर्मोकपल है, और थ्री फोर छः नंबर जो पोर्ट है इसमें हम जो कि आर्टरी सेंसर के लिए, देखिए थ्री फोर और ये जो सिक्स नंबर पोर्ट जो है इसमें हम जो कि आर्टरी सेंसर लगाएंगे। अगर आपको पता है जो कि हमारा आर्टरी सेंसर जो होता है ये थ्री वायर आर्टरी सेंसर होता है, और फोर वायर टाइप का आर्टरी सेंसर भी होता है, और उसके बारे में आपको और किस दिन बताऊँगा। और देखिए अभी ये जो सेंसर कनेक्शन मैंने कर रखा हूँ, देखिए ऑलरेडी मेरे सेंसर कनेक्शन इसमें कर दिया हूँ, और देखिए जिस तरह मैंने कनेक्शन कर रखा हूँ इसी तरह आपको जो कि कनेक्शन करनी है। देखिए जो कि रेड वाली, देखिए जो कि ओयर है, ये छः नंबर पे कनेक्शन है, और ये पाँच नंबर पे कुछ भी नहीं है, और तीन नंबर और चार नंबर पे देखिए जो कि दो रेफरेंस व्हाइट कलर का जो कि तार है इसमें मैंने लगा रखा हूँ। और ये जो एक नंबर और दो नंबर पे जो कि हमारा हार्ट कम्युनिकेटर से दो तार लेंगे, और दो तार लेके इसमें हम कनेक्शन करेंगे। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है ये आपको देख के लगाना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही पावर सप्लाई देंगे ये वाला जो कि एलईडी लाइट है ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट होगा। चलिए अभी पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई दे के मैं आपको पूरा इसके टोटल कॉन्फिगुरेशन भी मैं आपको दिखाऊँगा। और चलिए अभी मैं इसे साइड कर देता हूँ, और देखिए इसमें जो कि दो तार है, और दो तार को मैं इसमें लगा देता हूँ। चलिए देखिए ये जो हमारा ट्रैक्स का केबल है, देखिए ये कनेक्टिंग लीड है, और ये लीड को जैसे मैंने आपको बता रखा था, देखिए जो कि हार्ट प्लस पावर है, और हार्ट प्लस पावर की पोर्ट में यह हम जो कि लगाना है। देखिए इसी तरह इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हैं, ये जो रेड वाला साइन जो है ये रेड साइड में लगाना है, और ब्लैक वाले साइड को ब्लैक वाले में लगा देनी है। देखिए इसी तरह आपको लगा देनी है, और उसके बाद इसके साइड में देखिए जो कि क्रोकोडाइल क्लिप जो होता है, ये क्लिप को हम ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर के साथ लगाएंगे। देखिए इसमें भी देखिए ये जो रेड कलर साइन आप जो देख रहे हो ये पॉजिटिव है, और ब्लैक कलर की जो है ये नेगेटिव है।
और देखिए ये जो हमारा पॉजिटिव लीड को देखिए, जो कि हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर की पॉजिटिव लीड के साथ लगाना है। देखिए इसमें एक लीड मैंने लगा दिया हूँ और दूसरी लीड को भी इसी तरह लगा देनी है। और लगाने के बाद अभी इसमें हम पावर सप्लाई देंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो कि प्रेशर ट्रांसमीटर है, प्रेशर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और भी बहुत सारे वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग वो लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और चलिए अभी हम ये जो इमर्सन ट्रैक से इसे हम पावर सप्लाई देंगे। और पावर सप्लाई देने के लिए देखिए इसमें बहुत सारे देखिए जो कि एप्लीकेशन है, और सबसे पहले देखिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही मैं क्लिक करके पावर सप्लाई दूंगा, ये हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर में लाइट ब्लिंक होगा। देखिए इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हम ये एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये एप्लीकेशन जो कि ओपन हो जाता है। और देखिए अभी ओपन होने के बाद देखिए अभी डिटेक्ट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हार्ट जो लिखा हुआ है, ये हार्ट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ आ रहा है, डू यू इंटेंड टू प्रोवाइड पावर फ्रॉम जो कि ट्रैक्स यूनिटी, यानी कि यूनिट से आप ये ट्रांसमीटर को पावर सप्लाई देने के लिए आप चाहते हो, आपको येस करना है। और उसके बाद देखिए इसमें दो ऑप्शन है, और आपको जो कि ये ट्रांसमीटर के ऊपर क्लिक करना है। और पोजीशन के चैप्टर में और किस दिन आपको बताऊंगा। और देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया हूँ, देखिए हमारा ट्रांसमीटर में जो कि ग्रीन कलर का लाइट इसमें जो कि ग्लो कर रहा है, और कभी कभी इसमें रेड कलर का लाइट भी ग्लो करता है। अगर किसी में कुछ फॉल्ट होता है तो आपका ये जो ट्रांसमीटर में रेड कलर का लाइट ये ग्लो करता है। और देखिए अभी ये ग्रीन कलर का लाइट देखिए अभी इसमें ग्लो कर रहा है, मीन्स इसमें आपका जो कि प्रोसेस जो कि बिल्कुल सही चल रहा है। और पी भी देखिए जो कि प्रेजेंट वैल्यू आपको इसमें 23 पॉइंट देखिए इसमें समथिंग इसमें टेम्परेचर दिखा रहा है जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर है। और उसके बाद देखिए डिवाइस सेटअप, आपको डिवाइस सेटअप पे जाना है। और उसके बाद प्रोसेस वेरिएबल, और ये प्रोसेस वेरिएबल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए इसमें जो भी प्रोसेस आपके ट्रांसमीटर में चल रहा है ये टोटल इसमें शो कर रहा है। देखिए कितना टेम्परेचर है, और परसेंटेज रेंज देखिए इसमें शो कर रहा है, और एनालॉग आउटपुट देखिए इसमें कितना मिली एम्पीयर, 5.859 मिली एम्पीयर इसमें शो कर रहा है। और देखिए सब कुछ इसमें जो भी प्रोसेस चलता है इसमें टोटल इसमें शो कर रहा है। और चलिए अभी हम सेंसर का पैरामीटर की सेटिंग करेंगे। और उसके लिए देखिए डिटेल सेटअप जो है उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद सेंसर देखिए इसमें सेंसर के ऊपर क्लिक करना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा सेंसर है सेंसर के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए ऊपर में जो कि प्रोसेस सेंसर, चलिए अब इसके प्रोसेस सेंसर के ऊपर क्लिक करने पे देखिए जो कि सेंसर सेटअप, और नीचे जो कि सेंसर इन्फो। और ये सेंसर इन्फो जो होता है ये सेंसर की इन्फॉर्मेशन के लिए है, और आप इसमें सेंसर की इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। यानी कि देखिए इसमें जो कि 2 वायर सेंसर इसमें दिखा रहा है, लेकिन इसमें हमें जो कि 3 वायर का जो कि RTD सेंसर इसमें लगा रखे हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, सेंसर इन्फो में आप सिर्फ देख सकते हैं, इसमें एडिट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, और सेंसर सेटअप में आप सब कुछ इसमें एडिट कर सकते हो। और चलिए और सेंसर की देखिए 2 वायर जो है किस तरह 3 वायर सेटअप करते हैं, चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और सबसे पहले देखिए ये सेंसर क्लास, और सेंसर क्लास जो होता है आपका किस टाइप का सेंसर इसमें लगा हुआ है, जैसे कि RTD है या फिर थर्मोकपुल है या फिर और कुछ लगा हुआ है, और उसके सेटिंग करने के लिए। और देखिए ये जो हमारा 3 वायर टाइप का RTD है, अगर इसमें आपका अगर थर्मोकपुल लगा होता तो चलिए किस तरह सेटिंग करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेंसर क्लास में आपको क्लिक करना है, और उसके बाद देखिए ये जो हमारा RTD है इसलिए RTD ऊपर सिलेक्शन है। अगर आपका थर्मोकपुल होता तो ये थर्मोकपुल यानी कि TC जहाँ पर लिखा हुआ है आपको क्लिक करना, यानी कि सिलेक्शन करके क्लिक करना होता है। और उसके बाद देखिए ये जो हमारा सेंसर टाइप, और सेंसर टाइप पे देखिए जो कि PT 100, PT 1000, ये सब जो कि PT जो कि हमारा सेंसर टाइप होता है। और उसके बाद देखिए ये जो हमारा यूनिट है, और यूनिट जो होता है ये हमारा डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दो यूनिट है। और उसके बाद देखिए कनेक्शन टाइप, कनेक्शन टाइप देखिए जो कि स्टैंडर्ड है। और उसके बाद सेंसर कनेक्शन की OR आप देख सकते हैं, ये 2 OR है या 3 OR है या फिर 4 OR है। अगर ये हमारा जो कि 3 OR है, और इसीलिए इसका सेटिंग जो कि मैंने 3 OR कर दिया हूँ। और उसके बाद देखिए ये ऊपर के साइड में देखिए जो कि सेंड का ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा, और ये साइड में जो कि सेंड ऑप्शन है, और ये सेंड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये सेंड ऑप्शन आप जो कि सेंड नहीं करोगे, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप सेटिंग करते हो आपका वो सब इंफॉर्मेशन आपका जो कि ट्रांसमीटर में फिट नहीं होता है। और देखिए अभी ये जो हमारा 3 OR देखिए जो कि इसमें सेटिंग हो चुका है। और उसके बाद देखिए अभी मैं आपको और भी बहुत सारे सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ। और चलिए अभी मैं बैक कर देता हूँ, और बैक करके मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। चलिए और भी मैं बैक कर देता हूँ।
और चलिए अभी जीरो ट्रिम किस तरह करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद देखिए आपको डायरेक्ट सर्विस पे जाना है, और उसके बाद देखिए इसमें आपको जो कि ट्रिम के ऑप्शन दिखाई देता होगा, देखिए ये ट्रिम के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए ऊपर में सब है सेंसर ट्रिम, और ये सिंगल पॉइंट सेंसर ट्रिम, और इसके ऊपर क्लिक करने पे देखिए सेंसर ट्रिम, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इसमें जो कि टेम्परेचर जितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी टेम्परेचर इसमें जो कि है ये 22 पॉइंट समथिंग इसमें टेम्परेचर है। अगर आपको ट्रिम करना चाहते हो तो देखिए इसमें आपको जीरो प्रेस करना है, और जीरो दे के आपको जो कि सेट करना पड़ता है। और किस तरह जीरो ट्रिम करते हैं और ऊपर ट्रिम किस तरह करते हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, और उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग को लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और चलिए अभी आपको और भी बेसिक के बारे में आपको बता देता हूँ। और चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको बेसिक सेटअप भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो बेसिक सेटअप है और इसके ऊपर क्लिक करने पर देखिए नीचे सबसे नीचे जो कि टैग है, और टैग जो है ये वन टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और ये नंबर आप चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद देखिए उसके ऊपर में देखिए ये जो डैम्पिंग है, और डैम्पिंग क्या है उसके बारे में अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और देखिए अभी इसमें आपको डैम्पिंग जो है 0.2 जो कि डिफॉल्ट है इसे आपको जो कि रखना है। और उसके बाद देखिए और ये जो आप देख रहे हो ये जीरो स्पान जो कि सेटिंग है आप देख सकते हैं इसमें जो कि LRB URB, देखिए LRB जो होता है लोअर रेंज वैल्यू और URB जो होता है ऊपर रेंज वैल्यू, और LRB आप जितना चाहते हो उतना रख सकते हैं और ऊपर रेंज वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। और LSL जो होता है ये लोअर सेट पॉइंट लिमिट, और USL जो होता है ये ऊपर सेट पॉइंट लिमिट, ये दो पॉइंट आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ट्रांसमीटर का ये डिफॉल्ट सेटिंग है। और इसमें देखिए ये जो LRB जो है आप अगर चेंज करना चाहते हो तो इसमें आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद देखिए URB, और URB देखिए इसका मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने 200 रखा हूँ, और अभी देखिए इसमें हम 100 सेटिंग करेंगे। और उसके बाद ये जो सेंड ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे देखिए सेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही सेंड के ऑप्शन क्लिक करोगे और इसका रेंज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और इसमें जो भी सेटिंग करते हैं यानी कि जो भी इसमें रेंज चेंज करते हैं ये सारे चेंज जो है सेंड करने के बाद हमारा ट्रांसमीटर में जाके सेट हो जाता है। फ्रेंड्स इसी तरह ट्रांसमीटर में जीरो ट्रिम किस तरह करते हैं और प्रेशर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं वो सो वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोगों को लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर